क्या आपने कभी बारकोड का नाम सुना है? शायद नहीं, क्योंकि उसकी जगह क्यूआर कोड ने ले ली है। अब आप सोचेंगे कि जब बारकोड था ही तो उसे रिप्लेस करके क्यूआर कोड क्यों लाया गया, इसके क्या फायदे हैं, इसे किसने बनाया, इन तमाम सवालों का जवाब दूंगा इस वीडियो में। नमस्कार, मैं अल्ताफ और आप देख रहे हैं जी मीडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज पूरी दुनिया डिजिटल में कन्वर्ट हो रही है। लोग धीरे धीरे पेपर से खुद को डिजिटल की तरफ रिप्लेस कर रहे हैं। बात चाहे शॉपिंग की हो या फिर उस शॉपिंग के लिए पेमेंट करने की, हम और आप क्यूआर कोड की तलाश करते रहते हैं। आप सभी ने क्यूआर कोड देखा होगा, काले और सफेद रंग का एक चौकोर बॉक्स की तरह होता है क्यूआर कोड। क्यूआर कोड का पूरा नाम क्विक रिस्पॉन्स कोड है। इस कोड में उस सामान या किसी भी चीज की पूरी जानकारी मौजूद रहती है, जैसे उसकी कीमत, बनाने वाले कंपनी का नाम, बनाने का समय आदि। क्यूआर कोड को आप इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस कर सकते हैं। आपको बस अपने मोबाइल में क्यूआर कोड स्कैनर डाउनलोड करना है और फिर किसी भी क्यूआर कोड को स्कैन करके उसकी जानकारी ले सकते हैं। क्यूआर कोड को बार कोड का डिजिटल वर्जन भी कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि साल 1960 में जब जापान में सुपरमार्केट की शुरुआत हुई तो लोगों की भीड़ लगनी शुरू हुई, जिससे बिल बनाते बनाते कैशियर की हालत खराब हो जाती थी। उनके हाथ और पैरों में काफी दर्द हो जाता था। इस परेशानी से निजात दिलाने के लिए साल 1974 में बारकोड लाया गया। बारकोड के आने से समस्याएं कुछ कम तो हुई, लेकिन पूरी तरह से निजात नहीं मिला। बारकोड में सिर्फ 20 अंकों या वर्ड्स में ही सूचना देना होता था, जो काफी कम था। अब लोगों को इस समस्या से निजात दिलाने के लिए मासाहिको हारा ने इस पर काम करना शुरू किया और क्यूआर कोड के रूप में लोगों के सामने एक नई चीज पेश की। क्यूआर कोड ने उन तमाम परेशानियों से लोगों को राहत दी जो बारकोड नहीं दे पा रहा था। पहली बार क्यूआर कोड का इस्तेमाल ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल और रिटेल इंडस्ट्री में इन्वेंट्री को ट्रैक करने के लिए किया गया था, लेकिन धीरे धीरे क्यूआर कोड ने अपनी पकड़ इतनी मजबूत कर ली कि आज छोटे छोटे दुकानों पर भी इसी क्यूआर कोड की मदद से पेमेंट किया जाता है। तो ये थी क्यूआर कोड से जुड़ी कुछ बातें जिसे शायद आप अनजान थे। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। तो खैर, इस वीडियो में इतना ही। बाकी ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट के लिए बने रहे मेरे साथ और देखते रहे जी मीडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।